रामपुर नामक गांव में मोनिका नाम की एक टीचर रहा करती थी, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव की थी। स्कूल में सब उन्हें पसंद करते थे क्योंकि वो स्वभाव की बहुत अच्छी थी और बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्यार से पढ़ाती थी, प्यार से समझाती थी और बच्चे भी उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन उनकी क्लास में एक गरीब बच्ची जिसका जन्मदिन था वो उदास बैठी थी। गुड मॉर्निंग बच्चों, सेट डाउन। आरती बेटा, इतनी ज्यादा उदास क्यों हो? किसी से झगड़ा हुआ है या फिर मम्मी ने कुछ कहा है? चलो जल्दी बताओ, मुझे मेरी क्लास में उदास बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बच्चे हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। चलो जल्दी बताओ, उदासी का क्या राज है? मैम, आज इसका जन्मदिन है और इसकी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं कि वो केक लाकर इसका जन्मदिन सेलिब्रेट कर सके। बस इसी बात को लेकर उदास है। बस इतनी सी बात और तुम इतनी ज्यादा उदास? आज तुम्हारा जन्मदिन है और जन्मदिन पर भी क्या कोई उदास होता है? चलो सभी बच्चों आरती को जन्मदिन विश करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर आरती, हैप्पी बर्थडे टू यू। मोनिका मैम, विश तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जैसे सब बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है वैसा मम्मी मेरा क्यों नहीं मनाती? ना केक मंगाती है, ना नई फ्रॉक दिलाती है। कहती है कि वो गरीब है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम अमीर बच्चों की तरह अपना जन्मदिन मना सके। मेरा भी दिल करता है जन्मदिन मनाने का जैसे सब बच्चों का मनाया जाता है। और माँ कहती है कि वो मुझे स्कूल में पढ़ा रही है, वो ही बहुत बड़ी बात है। आरती बेटा, तुम इसलिए उदास हो ना कि आज तुम्हारा जन्मदिन है और केक नहीं आया और ना ही तुम्हें कोई नई फ्रॉक दिलाई गई है। तो ठीक है, आज मैं तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट करूंगी, अब खुश? मोनिका मैम की यह बातें सुनकर आरती का चेहरा खिल जाता है और उसके बाद मोनिका मैम सभी बच्चों को पढ़ाती हैं। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं और छुट्टी हो जाने के बाद मोनिका मैम आरती को अपने साथ लेकर जाती हैं, उसे एक नई फ्रॉक दिलाती हैं और उसके लिए एक केक भी खरीदती हैं। पार्टी का सारा बंदोबस्त करती हैं। आरती की माँ भी आ जाती हैं और आरती के सभी दोस्त भी आ जाते हैं और आरती बहुत धूमधाम से अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है। मोनिका मैम, आप कितनी ज्यादा अच्छी हैं, कितनी अच्छी! आपने मेरा जन्मदिन यादगार बना दिया। आप जैसी टीचर सबको मिले, सबको, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मुझे ज्यादा मक्खन मत लगाओ, ठीक है? सच में मोनिका मैडम, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 2 महीने से तो मेरी बच्ची की फीस आपने ही जमा की है अपनी तरफ से। आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, आप सच में बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। आरती की माँ भी मोनिका मैम की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन मोनिका मैम स्कूल से पढ़ाकर घर वापस आती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सोनाली, सोनाली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे बर्बाद कर अभी भी तुम्हें सुकून नहीं मिला? दोबारा से यहाँ क्यों आई हो? मोनिका मेरी प्यारी जुड़वा बहन, मैं यहाँ अपने जुड़वा बहन से मिलने आई हूँ। क्या मैं अपनी जुड़वा बहन से मिलने भी नहीं आ सकती? क्या हो गया मेरी प्यारी जुड़वा बहन? देखो सोनाली, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारी नस नस में धोखा भरा हुआ है। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, अब क्या छीनना चाहती हो? जब तुम्हारी शादी इतने बड़े घर में हुई तो मैंने सोचा कि तुम्हारी शादी इतने बड़े घर में हो गई, तुम तो ऐश करोगी, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह ले ली। लेकिन तुम्हारी जगह लेने के बाद मुझे पता चला कि वो इंसान तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, शराब पीता है, शराब पीकर मुझे मारता था, पीटता था, 1 रुपया नहीं देता था और बाद में उसने मुझे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। मैं तो सड़क पर आ गई। इसलिए मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया बल्कि उस इंसान से बचाया है। बुराई का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर तुम किसी की राह में कांटे बोओगे तो वो कांटे किसी और को नहीं तुम्हें ही चुभेंगे। किसी और के लिए गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढे में तुम खुद ही गिरोगे। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए।
मोनिका मेरी प्यारी जुड़वा बहन, अब तुम टीचर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों की तरह तुम मुझे भी समझाओगी। मुझे सब पता है, मैं इतनी दूर के सफर से आई हूँ, क्या अपनी बहन को खाना भी नहीं खिलाओगी? हाँ, मोनिका और सोनाली दोनों जुड़वा बहनें थी और बचपन में ही दोनों अनाथ हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोनिका स्कूल से पढ़ाकर घर वापस आ रही थी कि तभी कुछ गुंडे मोनिका को पकड़कर एक गोदाम में ले जाते हैं और उसे रस्सियों से बांध देते हैं। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, क्यों लेकर आए हो यहाँ पर, छोड़ो मुझे छोड़ो। सोनाली, तुम, इसका मतलब यह सब कुछ तुमने करवाया? सोनाली, अब क्या चाहती हो तुम? देखो मेरी प्यारी जुड़वा बहन, मेरे पास ना कोई काम है, ना नौकरी है, ना घर बार है, कुछ भी तो नहीं है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना दोबारा से अपनी जुड़वा बहन का फायदा उठाया जाए। इसलिए अब मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे घर पर रहूंगी, तुम्हारी जगह तुम्हारे स्कूल में पढ़ाने जाऊंगी, अब मैं तुम्हारी जगह लेने वाली हूँ। मैं अपनी जुड़वा बहन को समय पर खाना दूंगी, मारूंगी नहीं, तुम खाना तो खाओगी लेकिन यहाँ गोदाम में बंधी हुई, और मैं तुम्हारी जगह लेकर ऐश करूंगी, ठीक है? सोनाली, तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तुम ऐसा। सोनाली, तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? तुम बार 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 मेरी जिंदगी में ग्रहण लगाने के लिए क्यों आ जाती हो? ऊपर वाले ने तुम्हें मेरी जुड़वा बहन बनाया, मेरी जैसी शक्ल दी, तो तुम इसका फायदा क्यों उठाती हो, क्यों? सोनाली, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। बुराई का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। मेरी प्यारी बहन, अभी भी रुक जाओ, रुक जाओ। बेचारी मोनिका अपनी जुड़वा बहन के सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन सोनाली को कोई असर नहीं होता और वो गोदाम में अपनी बहन को बंद कर आ जाती है और उसकी जगह ले लेती है, उसके घर में रहती है और अगले दिन उसकी जगह स्कूल में पढ़ाने जाती है। मोनिका मैम, ये समझ में नहीं आ रहा, इसे दोबारा से समझा दीजिए। मोनिका मैम, कल आपने जो यह सवाल समझाए थे, इसका फॉर्मूला समझ में ही नहीं आया, दोबारा से समझा दीजिए। पीछे हटो, एक के बाद एक स्टूडेंट उठकर मेरे पास आता जा रहा है, आता जा रहा है, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, चुप रहो और चुपचाप अपने डेस्क पर बैठो। और कोई भी बच्चा मेरे पास उठकर नहीं आएगा, मुझे पता है मैं टीचर हूँ कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना। और ये तुम कैसे यूनिफॉर्म पहन कर आई हो, स्कूल में क्या इतनी ज्यादा फटी पुरानी यूनिफॉर्म पहन कर आया जाता है? मोनिका मैम, आपको क्या हो गया है, आप तो मेरे घर के हालात अच्छी तरह से जानती हैं, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि 2 महीने से फीस भी आप ही जमा कर रही हैं, और आपने ही तो कल मुझसे कहा था कि आज आप मुझे यूनिफॉर्म दिलाएंगी, और फिर अब आप ऐसी बातें कर रही हैं, क्यों? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम्हें यूनिफॉर्म दिलाऊंगी, और मेरी ही गलती थी जो मैंने 2 महीने से तुम्हारे स्कूल की फीस जमा की, और मुझे अब मेरे पैसे वापस चाहिए, और कल यूनिफॉर्म साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म साफ सुथरी नहीं हुई तो मेरी क्लास में बैठने की कोई जरूरत नहीं है, और क्लास, मुझे मेरी क्लास में शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए कोई शोर नहीं करेगा। अगर किसी ने शोर करने की कोशिश भी की, शैतानी करने की कोशिश भी की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू अभी तक यहाँ खड़ी है, चल जा, मेरी क्लास से बाहर खड़ी हो, मुझे ऐसे गंदे स्टूडेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं। सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि अचानक मोनिका मैम को क्या हो गया है, वो ऐसे स्वभाव की तो बिल्कुल भी नहीं थी। बेचारे स्टूडेंट्स को क्या पता था कि यह उनकी प्यारी मोनिका मैम नहीं है, यह तो उनकी जुड़वा बहन सोनाली मैम है। आरती पूरे टाइम बाहर खड़ी रहती है और जब छुट्टी हो जाती है घर जाकर अपनी माँ को सब बताती है। मम्मी, आपको पता है आज मोनिका मैम ने मुझे पूरे टाइम स्कूल से बाहर खड़ा रखा इतनी ज्यादा धूप में, और उन्होंने कहा है कि अगर कल यूनिफॉर्म नहीं हुई तो मुझे स्कूल में आने की कोई जरूरत नहीं है, और उन्होंने 2 महीने की जो फीस जमा की थी वो पैसे भी मांगे हैं, वो भी कल तक। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उन्होंने कुछ समय का समय मांगा है, फिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? ठीक है बेटा, मैं कल जाती हूँ और तुम्हारी मोनिका मैडम से बात करती हूँ।
आरती की माँ आरती को दिलासा देती है और अगले दिन वो आरती के साथ स्कूल में आ जाती है और सोनाली मैम से कहती है, मोनिका मैडम आप तो मेरे घर के हालत अच्छी तरह से जानती हैं, आपसे तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं है और मैं अभी इसे नई ड्रेस कैसे दिला सकती हूँ। जैसे बच्ची पढ़ने आ रही है वैसे आने दीजिए ना, एक महीने बाद वैसे भी पेपर होने वाले हैं और आपने मेरे ऊपर जो एहसान किया है मैं उसकी आभारी हूँ। कुछ समय बाद मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, अभी मुझे पगार नहीं मिली है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें पगार मिली हो या ना मिली हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए तो चाहिए। और तुम्हारी बेटी ऐसी गंदी यूनिफॉर्म में मेरी क्लास में तो बैठ नहीं सकती, एग्जाम आ रहे हैं या कुछ भी, यूनिफॉर्म दिलाओ, प्रॉपर यूनिफॉर्म में तुम्हारी बेटी स्कूल में पढ़ने आनी चाहिए, बात खत्म। और मुझे कल तक मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, खुद को बेचो घर बेचो कुछ भी करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरा टाइम वेस्ट करने की और जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से गरीब मुँह उठाकर आ जाते हैं, जब बस की नहीं है बेटी को पढ़ाना तो क्यों पढ़ा रही हो। आरती की माँ भी मोनिका का यह व्यवहार देखकर बहुत ही ज्यादा अचंभित होती हैं, लेकिन उन्हें भी क्या पता था कि यह मोनिका नहीं उनकी जुड़वा बहन सोनाली है। सोनाली ने पूरी क्लास में अपना दबदबा बना रखा था, वो किसी भी स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं रही थी। मोनिका मैम एक हफ्ते बाद हमारे एग्जाम है, अगर इसी तरह से चलता रहा हम तो फेल हो जाएंगे, मोनिका मैम हमारे पर थोड़ा रहम कीजिए। काजल की बच्ची तेरी बहुत जबान चलती है, तुझे पता नहीं मैंने आरती का कैसे पत्ता साफ किया, इसी तरह से तुझे भी अपना पत्ता साफ कराना है। मोनिका मैम आप ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी, अचानक आपको क्या हो गया है, मुझे लगता है आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। बेचारी नैना का बस इतना कहना था, बस फिर क्या था, सोनाली को गुस्सा आ जाता है और वो उसके बाल पकड़ पकड़ कर उसकी बहुत ही ज्यादा पिटाई करती है, उसके सर से खून भी निकलने लगता है और उसके बाद वो सभी स्टूडेंट से कहती है, अगर दोबारा से किसी ने मेरे सामने जबान खोलने की कोशिश भी की तो अभी तो जिंदा छोड़ दिया है, बाद में जिंदा भी नहीं छोड़ूंगी, अभी तो मुझे जानते नहीं हो कि मैं क्या चीज हूँ। इतना शोर क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है इतना शोर, मोनिका मैम ये सब क्या है। प्रिंसिपल मैम यही देखकर तो मैं भी हैरान हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चली गई और ये बच्चे जंगली जानवरों की तरह लड़ाई करने लगे, देखो तो इन्होंने कितनी बुरी लड़ाई की है, नैना का तो सर ही फाड़ दिया। नैना बच्ची जाओ जल्दी से डिस्पेंसरी में जाओ, और तुम सभी स्टूडेंट तुम्हारी तो मैं बाद में खबर लेती हूँ। सोनाली सारा इल्जाम बेचारे मासूम बच्चों के ऊपर डाल देती है और प्रिंसिपल मैम को भनक तक भी नहीं लगने देती और उसके बाद सभी बच्चों को धमकी देती है कि अगर किसी ने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो उनका बहुत बुरा हाल होगा। बेचारे मासूम बच्चे डरे डरे से थे, सहमे सहमे से थे। ऐसे ही एक दिन आरती अपनी क्लास के सभी बच्चों को इकट्ठा करती है और उनसे कहती है, पता नहीं क्यों ये मुझे मोनिका मैम नहीं लगती, वो तो कितनी ज्यादा अच्छी थी, किसी भी स्टूडेंट को उदास नहीं देखती थी, हंसाने के लिए कितना सब कुछ करती थी, क्या तुम्हें याद नहीं उन्होंने मेरा जन्मदिन कितने धूमधाम से सेलिब्रेट किया, अब वो ऐसी कैसे हो सकती है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ यार आरती तो बिल्कुल ठीक कह रही है, तुझे पता है कल उन्होंने नैना के साथ क्या किया, उसे बाल पकड़ पकड़ कर मारा, खून भी निकलने लगा था, हम सब बच्चे तो चुप रहे, हमें बहुत डर लग रहा था, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, जो कल नैना के साथ हुआ वो आगे हमारे साथ भी हो सकता है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर बात क्या है, हमें मोनिका मैम के ऊपर नजर रखनी होगी। और इस तरह से सभी स्टूडेंट्स सोनाली का पीछा करते हैं, उसके ऊपर नजर रखते हैं। सोनाली अपनी जुड़वा बहन को गोदाम में खाना देने जाती है, मोनिका की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वहीं दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट्स भी देख लेते हैं, जो उन्हें पढ़ा रही थी वो मोनिका नहीं बल्कि उनकी जुड़वा बहन थी। देखा मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ जरूर है, हमें जल्दी से पुलिस को सब बताना होगा। ऐसा कहकर आरती अपनी माँ के साथ पुलिस को बुला लेती है। मोनिका मैम की जुड़वा बहन अब आपका खेल खत्म, आपने हमारी मैम के साथ और हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, उसकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी, इंस्पेक्टर साहब इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बहन जेल से कभी वापस नहीं आनी चाहिए, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सोनाली मैंने तुमसे कहा था पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो तुम खुद को बचा नहीं पाओगी, अब तुम नहीं बच पाओगी,
तुमने मेरी हमशक्ल होने का बहुत फायदा उठाया है, लेकिन अब नहीं उठा पाओगी। सोनाली को उसके के की सजा मिल जाती है और अब वो जेल में चक्की पीस रही होती है और इधर मोनिका का इलाज हो जाता है और वो दोबारा से पढ़ाना शुरू कर देती हैं और अब सब बच्चे एक साथ मोनिका के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं और मोनिका की जिंदगी से भी उसकी जुड़वा बहन का खतरा निकल जाता है। एक बार की बात है, सीतापुर गाँव में दो सहेलियाँ किमाया और अर्चना रहा करती थी। किमाया एक अनाथ लड़की थी, उसके माता पिता नहीं थे और वह गरीब बहुत ज्यादा थी। अपना पालन पोषण करने के लिए उसे काम करना पड़ता था, पैसे कमाने पड़ते थे। और वहीं दूसरी तरफ उसकी सहेली अर्चना, वह बहुत ही ज्यादा अमीर थी, उसका अपना पूरा परिवार था। अर्चना अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। अर्चना और किमाया एक ही कॉलेज में पढ़ा करती थी और वहीं पर दोनों की दोस्ती हुई थी। किमाया 4 दिन से कॉलेज नहीं जा रही थी। अर्चना किमाया के घर आती है और उससे कहती है, अरे यार किमाया, क्या हुआ, 4 दिन हो के कॉलेज नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना? तुझे पता है ना एग्जाम आने वाले हैं और अगर इसी तरह छुट्टी करती रही तो तुझे एग्जाम में नहीं बैठाया जाएगा। लास्ट ईयर में फेल होना चाहती है क्या? अरे यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो कॉलेज आना चाहती हूँ, लेकिन फीस जमा नहीं हुई ना, इसलिए प्रिंसिपल मैम ने कहा है जब तक फीस जमा नहीं हो जाती तब तक मुझे कॉलेज आने की कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ पर मैं काम करती हूँ वो आंटी अभी गांव में है नहीं, बस कल वापस आ जाएंगी, तो मैं कल से कॉलेज आना शुरू हो जाऊंगी। अगर पैसों की ही बात थी तो मुझसे मांग लेती। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है तू बहुत खुददार है, मुझसे पैसे कभी नहीं लेगी, जानती हूँ। लेकिन उधार मांगने में कैसी शर्म, जब तेरी आंटी आती तब वापस कर देती, अगर कॉलेज से नाम कट जाता तो। चल छोड़, मैं तुझे बताना चाहती हूँ, अब लास्ट ईयर चल रहा है, अब मैं अपने दिल की बात सुमित को बता दूंगी। तू जानती है ना कि मैं उसे पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मैं तो तुझसे पहले ही कह रही थी, तूने ही इतना समय लगा दिया अपने दिल की बात बताने में, अब बता देना, देर मत करना। वैसे भी कुछ ही दिन बचे हैं हमारे कॉलेज में, उसके बाद तो सब अलग ही हो जाएंगे। और वैसे भी तेरी मम्मी तो तेरी शादी करना चाहती हैं, सुमित से बात कर, अपने पेरेंट्स को बता। वैसे अर्चना, सुमित बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ तू खुश रहेगी। अर्चना और किमाया ढेर सारी बातें करती हैं और उसके बाद अर्चना अपने घर वापस आ जाती है। और अगले दिन जब किमाया को पैसे मिलते हैं तो वह कॉलेज की फीस जमा कर देती है और दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। कुछ दिन बाद एग्जाम होते हैं और जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो अर्चना सुमित के पास जाती है। अर्चना के कुछ कहने से ही पहले सुमित अर्चना से कहता है, अर्चना तुम तो किमाया की बहुत अच्छी दोस्त हो ना, मुझे तुमसे कहना था, क्या तुम माया तक मेरा मैसेज पहुंचा दोगी? मैं माया से शादी करना चाहता हूँ। सुमित, यह तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो गरीब, तुम जानते हो ना वो कितनी ज्यादा गरीब है, और गरीबी को भी छोड़ो, उसका रंग रूप देखा है, कितनी ज्यादा सांवली है। मेरे सिवा उसका इस कॉलेज में कोई दोस्त नहीं है, उससे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता, और तुम शादी करना चाहते हो ऐसी काली लड़की से और इतनी ज्यादा गरीब लड़की से। अरे खुद को देखो, तुम कितने हैंडसम हो और कितने ज्यादा अमीर हो, तुम ऐसी काली लड़की को, गरीब लड़की को डिजर्व नहीं करते। अर्चना, यह तुम अपने दोस्त के बारे में बात कर रही हो, देखो मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है और रंग रूप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो, मैं खुद कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस मैं इसलिए कह रही थी, तुम्हारे घर वाले उसे पसंद नहीं करेंगे ना। ठीक है, अगर वो तुम्हारी पसंद है तो मैं उससे बात कर लूंगी, लेकिन तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अभी बात नहीं हो सकती, वो एक हफ्ते के लिए अपनी मौसी के यहाँ जा रही है दिल्ली। जैसे ही दिल्ली से वापस आएगी मैं उससे बात कर लूंगी और तुम्हें बता दूंगी। और वैसे भी वो तुम्हें मना कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें कोई लड़की मना कर ही नहीं सकती। अर्चना सुमित को किमाया से बात करने से मना कर देती है। अगले दिन दोनों सहेलियां दोबारा से मिलती हैं, तभी किमाया अर्चना से कहती है, अर्चना क्या तुमने सुमित से बात की? देखो अभी बात नहीं करोगी तो फिर देर हो जाएगी,
तुम्हें बात कर लेनी चाहिए। तुमने तो उसका घर भी देखा है। एक दो बार नोट्स लेने के बहाने उसके घर गई थी। किसी बहाने अभी जाकर उससे मिल लो। अरे पागल, मैंने बात कर ली है और वो अपने पेरेंट्स को मेरे घर लाने के लिए कह रहा है। वो मान गया है मुझसे शादी करने के लिए। यही बात बताने के लिए तो मैं तुझे गोलगप्पे खिलाने मार्केट लेकर आई हूँ। यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हाँ कि माया, मैं दिल्ली जा रही हूँ। मेरी मौसी की बेटी की शादी है ना, और मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चल। वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेली बोर हो जाऊंगी। दिल्ली एक हफ्ते के लिए? यार पता नहीं छुट्टी मिलेंगी या नहीं। तुझे पता है ना कितने मुश्किलों से तो एक जगह काम मिला है। अगर वहाँ से मुझे निकाल दिया गया तो बहुत समय लग जाएगा दूसरा काम ढूंढने में, और जब तक मुझे भूखा रहना पड़ेगा। अब तो चाहती है कि मैं भूखी रहूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी मम्मी की उनसे अच्छी बात है, वो तुझे काम से नहीं निकालेंगी और तुझे छुट्टियां भी मिल जाएंगी। यार प्लीज अब मना मत करना। और अब तो देख मेरी शादी भी हो जाएगी। मैं दिल्ली से अपने लिए शादी का लहंगा भी लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर चांदनी चौक में बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर ब्राइडल लहंगे मिलते हैं। अर्चना जानबूझकर किमाया को अपने साथ एक हफ्ते के लिए दिल्ली लेकर जाना चाहती थी, ताकि इस बीच सुमित और किमाया की बातचीत ना हो जाए। अर्चना घर आकर अपनी पैकिंग करने लगती है, और वहीं दूसरी तरफ किमाया भी अपनी पैकिंग कर अर्चना की तरफ आने लगती है। तभी अर्चना की माँ अर्चना से कहती है, अर्चना कॉलेज तक वह काला टीका तेरे साथ थी तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कुछ नहीं कहती थी, मुझे तेरा उसके साथ उठना बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वह काली कलूटी हमेशा तेरे साथ तेरे पल्लू से बंधी रहे। तू जानती है ना वह मनहूस है, बचपन में ही अपने माँ बाप को खा गई। कोई रिश्तेदार भी उसे मिलने नहीं आता उसकी मनहूसियत की वजह से। तो उस गरीब काली कलूटी से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेती? खुद को देख कितनी ज्यादा सुंदर है, कितनी अमीर है। तुझे क्या दोस्तों की कमी है? अब दिल्ली भी तू उसे अपने साथ लेकर जाएगी? नहीं नहीं तो अकेली जा, उस काले टीके को अपने साथ मत लेकर जा। अर्चना रूम के बाहर की माया को खड़ा देख लेती है। वह अपने आंसू साफ कर रही थी, तभी अर्चना अपनी माँ से कहती है, मम्मी वो मेरी दोस्त है, सबसे अच्छी दोस्त है, और जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ वो मेरे साथ जाएगी। आपको मेरे दोस्त के बारे में इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं। आप मेरे दोस्त को ऐसे नहीं कह सकती कि माया मेरी दोस्त है इसलिए वो मेरे साथ जाएगी। अर्चना अपना बैग लेकर की माया के साथ जाने लगती है। तभी की माया अर्चना से कहती है, यार जब तेरी मम्मी मेरे बारे में ऐसा सोचती है तो तेरे रिश्तेदार मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, और वहाँ तो शादी है। मुझे लगता है कि अर्चना तुझे अकेले ही शादी में जाना चाहिए, मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है। कहीं मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, और मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त मेरी वजह से शर्मिंदगी का सामना करे। तो मेरी दोस्त है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है। और तुझे पता है यह जंगल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर हमें हरियाली देखने को मिलेगी, सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे और प्यारे प्यारे जानवर भी। इसलिए मैंने सोचा कि आउटिंग भी हो जाएगी और हम शहर भी चले जाएंगे। यह जंगल शहर जाने के लिए सबसे अच्छा है। मेरी दोस्त की माया की बच्ची, माई फुट, मम्मी बिल्कुल ठीक ही कहती है। तो मेरी जिंदगी में ग्रहण लगाने के लिए आई है। सुमित को तो मैं तेरा कभी नहीं होने दूंगी। सुमित से शादी करेगी तू सुमित से शादी करेगी, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब तू इस जंगल से कभी वापस नहीं जाएगी। सुमित सिर्फ मेरा है, मेरा। मैं उसे तेरा कभी नहीं होने दूंगी, काली कलूटी। अर्चना मन ही मन यह सारी बातें सोच रही थी। वो उसे दिल्ली नहीं लेकर जा रही थी, बल्कि वह तो इस घने जंगल में उसे जंगली जानवरों का शिकार बनाने के लिए लेकर आई थी, ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए और सुमित उसे मिल जाए। बेचारी की माया अपनी दोस्ती से इतना ज्यादा प्यार करती थी, उसके ऊपर आंख बंद कर भरोसा करती थी, और वही दोस्त उसकी इतनी बड़ी दुश्मन वो नहीं जानती थी। कुछ दूर चलने के बाद जंगली शेर अर्चना को नजर आते हैं, और वह जानबूझकर उनके सामने उसे धक्का देकर वहां से भागने लगती है। कि माया जोर जोर से चिल्लाती है, अपनी दोस्त से मदद मांगती है, अर्चना अर्चना कहाँ भागे जा रही हो, प्लीज मेरी मदद करो, यह जंगली शेर मुझे कच्चा चबा जाएंगे, प्लीज मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर बच जाओ। अर्चना अर्चना प्लीज मुझे बचाओ।
सॉरी यार, मुझे जाना होगा। मैं तेरे चक्कर में अपनी जान खतरे में तो नहीं डाल सकती। मुझे जीना है, मुझे अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है और सुमित से शादी भी तो करनी है। सॉरी यार, मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना तो यह जंगली शेर मुझे भी कच्चा चबा जाएंगे। ऐसा कहकर अर्चना वहाँ से भाग जाती है। कि माया बहुत ही ज्यादा डर रही थी कि अब तो वह नहीं बचेगी, इन दोनों जंगली शेर का शिकार हो जाएगी। लेकिन तभी उसके हाथ एक डंडा लगता है और वह हिम्मत करकर डर को भगाकर उसे उठाती है और दोनों जंगली शेर की खूब पिटाई करती है और उनके चंगुल से निकलकर भाग आती है। कि माया को सही सलामत जिंदा देखकर अर्चना के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये किमाया की बच्ची काली कलूटी जिंदा वापस कैसे आ सकती है? अब तो जंगल भी खत्म होने वाला है, शहर आने वाला है और ये जिंदा बच गई। अब मैं क्या करूंगी? लगता है इस गरीब काली कलूटी की किस्मत मुझसे ज्यादा अच्छी है, जंगली जानवरों से भी बचकर आ गई। अर्चना, मुझे नहीं पता था कि मुसीबत के समय तुम मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर आ जाओगी। अगर इस जगह तुम होती तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं आती, अपनी जान की बाजी लगा देती, लेकिन तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ती। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे यह किसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही है? इस जंगल में हमारे सिवा और कौन है? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कि माया वह आवाज सुनकर उस आवाज का पीछा करती है तो एक परी नदी में डूब रही थी। उसे तैरना नहीं आता था, कि माया पर तैरना आता था और वह तुरंत नदी में छलांग लगा देती है और परी को बचाकर बाहर लेकर आ जाती है। वह परी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। परी को अपने सामने देखकर अर्चना और कि माया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी वह सुंदर परी कि माया को धन्यवाद कहती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मदद करने के लिए। मुझे तैरना नहीं आता था और मैं इस नदी में गिर गई। अगर समय रहते तुम मेरी जान नहीं बचाती तो मैं मर चुकी होती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें यह जादुई ब्राइडल सोने और चांदी के परियों के लहंगे नजर आ रहे हैं? हम परियां हर साल एक बार पृथ्वी पर आती हैं और जो हमारी परीक्षा में पास हो जाती हैं उन्हें हम इन दोनों में से एक जादुई ब्राइडल लहंगा देते हैं। सोने और चांदी के परियों के जादुई ब्राइडल लहंगे, यह तो कितने ज्यादा सुंदर है। अगर यह जादुई ब्राइडल लहंगे मुझे मिल जाए तो मेरी तो लॉटरी ही निकल आएगी। हमें यह पाने के लिए क्या करना होगा? एक तरफ तुम्हारे सामने जादुई परियों का चांदी का ब्राइडल लहंगा है और दूसरी तरफ परियों का जादुई सोने का ब्राइडल लहंगा है। अगर तुम परियों का जादुई सोने का ब्राइडल लहंगा चुनती हो तो तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी जीने को मिलेगी, यानी कि तुम जो चाहोगी तुम्हें वह मिल जाएगा। जिससे तुम शादी करना चाहोगी तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी। तुम दुनिया में जो चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। और दूसरी तरफ परियों का जादुई ब्राइडल चांदी का लहंगा है। अगर तुम इसे पहनोगी तो इसे पहनने के बाद तुम्हारी शादी एक ईमानदार और नेक इंसान से हो जाएगी और तुम जादुई ब्राइडल चांदी के लहंगे की मदद से गरीब अनाथ लोगों की मदद कर पाओगी। लेकिन अपनी नहीं, तुम्हें अपने लिए मेहनत कर कमाना पड़ेगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर मैं परी का जादुई ब्राइडल सोने का लहंगा पहनती हूँ तो मुझे सुमित मिल जाएगा। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और साथ में इतनी सारी धन दौलत भी, और दुनिया में मैं जिस चीज पर हाथ रखूंगी वो मेरी हो जाएगी। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? मुझे नहीं चाहिए नेक और ईमानदार इंसान, और ना ही मुझे गरीब और अनाथ लोगों की मदद करनी है। मैंने कोई ठेका नहीं लिया। परी जी, मुझे आपका जादुई ब्राइडल सोने का लहंगा चाहिए, और जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि माया को भी आपका सोने का ब्राइडल लहंगा ही पसंद आएगा, क्योंकि वह तो बेचारी गरीब है, उसे धन दौलत की भी जरूरत है और सुंदरता की भी। नहीं अर्चना, तुम गलत हो। मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं है। मैं मेहनत कर कमाने पर विश्वास करती हूँ, और अगर परी का जादुई ब्राइडल चांदी का लहंगा पहनने के बाद मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिल जाता है जो ईमानदार हो, नेक हो, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। और साथ में मुझे गरीब अनाथ लोगों की मदद करने का मौका भी मिलेगा, इतने पुण्य का काम करने का मौका मिलेगा जो मैं हमेशा से करना चाहती थी लेकिन गरीबी के कारण कर नहीं पाती थी। और मुझे सुंदरता की भी जरूरत नहीं है, मैं जैसी हूँ उसमें खुश हूँ। इसलिए परी जी, मुझे आपका जादुई चांदी का ब्राइडल लहंगा चाहिए। कि माया, तुम्हारे बहुत उच्च विचार हैं। तुम बहुत अच्छा सोचती हो, तुम्हारा मन शीशे की तरह साफ है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरा काम आसान किया है। ये है लो मेरा जादुई ब्राइडल चांदी का लहंगा, और ये लो अर्चना अपना ब्राइडल सोने का लहंगा।
वो सुंदर परी अर्चना और किमाया को ब्राइडल सोने और चांदी के लहंगे देकर वहाँ से अदृश्य हो जाती है। जैसे ही किमाया वह परी का जादुई ब्राइडल चांदी का लहंगा पहनती है तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, जबकि उसने सुंदरता की इच्छा भी नहीं की थी। और साथ में उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अर्चना अपनी माँ को जादुई ब्राइडल सोने के लहंगे का जादू दिखाने में लगी थी। मम्मी आप जानती हो, इस जादुई ब्राइडल लहंगे की मदद से मैं कुछ भी चीज मांग सकती हूँ, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। आपको यकीन नहीं आ रहा ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेरा घर सोने का हो जाए। देखिए सोने का हो गया ना, मैं आपको भी सोने का बना सकती हूँ। परी के जादू सोने के ब्राइडल लहंगे मेरी मम्मी को भी सोने का बना दो। अरे मम्मी आप भी सोने की बन गई, ये जादू सोने के ब्राइडल लहंगे मेरी मम्मी को ठीक कर दो। नहीं नहीं, अब तुम्हारी मम्मी इसी तरह सोने की मूर्ति बनी रहेंगी, वो ठीक नहीं होंगी। मेरे लहंगे से सिर्फ एक ही इच्छा पूरी करवा सकती हो, वो तुमने करवा ली, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरी मम्मी सोने की मूर्ति बनी रहेंगी, मेरी मम्मी मुझसे बात नहीं कर सकती, मैं मेरी मम्मी से बात नहीं कर सकती, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं मेरी मम्मी के बिना कैसे जीऊंगी। मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मुझे नहीं चाहिए परी का जादू सोने का ब्राइडल लहंगा, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें तुम्हारे लालच की सजा मिली है, अब तुम्हारी मम्मी ऐसे ही सोने की मूर्ति बनी रहेंगी। अर्चना बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है। वह उस दिन को पछताती है जिस दिन वह जंगल गई थी और उसे परी का जादुई ब्राइडल सोने का लहंगा मिला। और उसे अपने के पर भी बहुत पछतावा होता है। वह अपने दोस्त के साथ गलत करना चाहती थी और सुमित और किमाया को अलग करना चाहती थी। उसे अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और वह किमाया के पास जाती है, उसके पैरों में पड़ जाती है, उससे माफी मांगती है। अर्चना यह तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझसे इस तरह से माफी क्यों मांग रही हो, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, देखो तुम्हें सब कुछ मिल गया है जो तुम चाहती थी, फिर अब क्या कमी रह गई। अर्चना खड़ी हो, इस तरह से मत रो, मुझसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जा रहा। किमाया तुम कितनी अच्छी हो, तुमने दोस्ती दिल से निभाई, सच्ची निभाई, और मैं कितनी बुरी हूँ, अपनी दोस्त की पीठ में छुरा घोंप रही थी। तुम्हें पता है सुमित मुझे पसंद नहीं करता, तुम्हें पसंद करता है, वो तुमसे शादी करना चाहता है, और मैं तुम्हें दिल्ली नहीं लेकर जा रही थी बल्कि तुम्हें जंगल में मारना चाहती थी ताकि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और देखो मुझे मेरी के की सजा यही मिल गई, मुझसे मेरी माँ को छीन लिया गया, मेरी माँ मूर्ति बन गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, वरना मैं इस गिल्ट के साथ जी नहीं पाऊंगी। अर्चना तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया, और तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। अगर सुबह का भोला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते, तुमसे गलती हुई और तुम्हें उसका पछतावा भी हो गया, मैंने तुम्हें माफ किया। किमाया के माफ करते ही अर्चना की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अर्चना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह आज के बाद कभी भी अपनी दोस्त का बुरा नहीं चाहती, और वह अपनी दोस्त की शादी की तैयारियां अपने हाथों से करती है और बहुत धूमधाम से किमाया की शादी सुमित से करवाती है। और इस तरह परी के जादू सोने और चांदी के ब्राइडल लहंगे की मदद से दोनों दोस्त दोबारा से एक हो जाती हैं। अर्चना को अपने के का पछतावा हो जाता है।